सो हे मेरे भाई लोग यार, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग यार। तो भाई लोग यार कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ मजे तक बढ़िया होंगे। और गाइस यार हमेशा तरह बढ़िया रहना। तो भाई लोग, जैसा कि तुम सबको पता है गाइस यार, मैं कुछ ना कुछ नया नया जरूर करता रहता हूँ, ठीक है। हमेशा प्रैंक सोचता हूँ कि कोई नई लड़की के साथ करूँ, और तुम लोग को भी मजा आता है जब मैं कोई नई न्यू लड़की लेके आता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस यार आज ही इंस्टाग्राम से एक मुझे लड़की मिली है जिसका नाम है रितु गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस उसके आईडी पे उसके भाई का नाम लिखा गाइस, ये आंसू गेमिंग गाइस, ठीक है, यही लड़की है। आज ही ऐड किया हूँ। अच्छा। और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे बोला कि तुम गेम में जल्दी से आ जाओ, ठीक है। और गाइस इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ प्रैंक। इसको लगा कि मतलब मैं इससे बात करूंगा फिर खेलूंगा, बट इसको पता नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल भी है गाइस, ठीक है। तो फटाफट इसको इनवाइट करते हैं एंड मैं तुम लोग को वो चैट भी दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। ये रहा चैट, देख लो। तो गाइस यार चलो इसको इनवाइट करते हैं और इसके मजे लेते हैं गाइस, ठीक है, चलो बुलाते हैं। और गाइस ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है ये इस लड़की के साथ। चलो देखो अब इसको कैसे फ्लर्ट करता हूँ और इसके कैसे अपने झांसे में फंसाता हूँ। और तुम लोग भी इसी टाइप से फ्लर्ट करोगे तो भाई पक्का लड़की पटेगी। अच्छा तो चलो इसको बुलाते। हेलो हेलो, क्या हाल है यार? हाँ रितु, अरे यार मतलब रिक्वेस्ट बड़ा जल्दी ले ली तुमने। अरे यार हम ऑनलाइन नहीं आते हैं ज्यादा गेम में। अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम से बुलाया तभी तो आ गई। हाँ हाँ वही, अभी आए ना जस्ट। वैसे ये ड्रेस इतना खतरनाक वाला पहनी हो, बाप रे। नहीं लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या ही बोलो यार, मतलब वो जो बीच में फटा ना वो तो कुछ खतरनाक ही लग रहा है। गेम खेलोगी? क्यों नहीं। हाँ हाँ खेलेंगे। और कहाँ से हो वैसे यार, बता ही नहीं हमारा, वैसे इंस्टाग्राम पे बात ही कितना हुआ। एमपी से। एमपी बोले तो मणिपाल। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ना वो एक रील था, देखा है क्या आपने, वो जो बोलता है, देखा है, एमपी मतलब मणिपाल। हाँ, फिर कहता है आपका नाम क्या है, तो बोलता है मोहन पाल सर। फिर बोलता है कितना तक पढ़े हो, एमपी सर मतलब मैट्रिक पास सर। फिर बोलता है फिर बोलता है कि आपके पापा का नाम, तो बोलता है एमपी सर। तो वो बोलता है मतलब, तो मतलब मदन मोहन पाल सर। देखिए सबने देखिए वाली तो क्लासिक खेलें या फिर रैंक खेलें? क्लासिक खेलो। वैसे आपके साथ ही मेरा फर्स्ट टाइम गेम प्ले है और फर्स्ट टाइम आपको मैंने ऐड भी करा है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ करो करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बताइए खाना पीना खाया, लंच किया आपने? हाँ हमारा हो गया, आपका हो गया? नहीं जी, आप खिलाई क्या बताइए ना। वहाँ के खिलाएंगे ना। मेरे पास आके खिलाइएगा। दूर से कैसे खिलाते हैं? ओ यार ये कितनी औसम है यार। दूर से भी खिला सकते हैं। अच्छा निभा निभी जैसे? हाँ हाँ वैसे ही। कैसे खिलाते हैं निभा निभी? निभा निभी कैसे खिलाते हैं? फोन पे ही खिलाते हैं। कैसे? मुंह खोलो खाना खाओ। अरे सॉरी यार मेरा ना गला बैठा हुआ है, मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से यार। गाइस यार अच्छी लड़की है यार, मतलब लाइन दे रही है गाइस, देख रहे हो, मतलब स्टार लाइन दे रही है। चलो ट्राई करता हूँ। खाली छोड़ी बटाता है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ ये कर लो पहले। वैसे मैं ये कहता था कि आपका नाम रितु किसने रखा? रितु रखा मम्मी पापा ने रखा, और कौन रखेगा। आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना, उतना ही आपका नाम भी प्यारा है। नहीं झूठ बोल रहा है। और पता आपको रितु कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। हाँ हाँ पता है। हाँ ग्रीष्म ऋतु पता है ना, बसंत ऋतु, और एक और एक। हाँ तो आप कौन सी वाली ऋतु हो? बसंत ऋतु? नहीं बसंत ऋतु तो नहीं है, तो अभी तो फिलहाल ग्रीष्म ऋतु है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना।
मतलब मौसम के अनुसार आपका भी ऋतु बदलता रहता है क्या? मतलब गर्मी में आप ग्रीष्म ऋतु यानी कि हॉट बन जाती हो और ठंडी में ठंडी वाली ऋतु बन जाती हो और बसंत ऋतु में कोयल वाली आवाज आती है ना? सही पकड़े हैं। हाँ, वैसे कोयल वाली आवाज तो हमेशा ही आती है, पर अभी तो गर्मी की ऋतु है। अच्छा। क्या ही बोलूं मैं आपको अब। वैसे ऋतु जी, गाइज उसका गेम ही बैक हो गया, पता नहीं क्या ग्लिच हो गया। गाइज मुझे भी बैक करना पड़ेगा यार, गाइज मैं बैक करता हूँ गाइज, ठीक है? देखो उसका गेम ही बैक हो गया गाइज। अरे भाई ये क्या ग्लिच है, वो अभी गेम में दिख रही है गाइस, देख सकते हैं आप, वो अभी गेम में दिख रही है, मैंने अभी बुकिंग किया भाई, वहाँ पे ग्रुप में नहीं दिख रही थी गाइस, मतलब गेम वाले टीम में। अभी देखो इनवाइट आ गया, इनवाइट आ गया, चलो। गेम बैक कर दिया था। किसने? कनेक्शन हो गया था। अच्छा अच्छा, आपका नेट चला गया था क्या? नहीं तो चला ही नहीं रहा है, चला के कैसे जाएगा। अच्छा ऐसा क्या, डुओ कीजिए ना, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे, रुको एक सेकंड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे नहीं चल रहा ना, तू आ ही नहीं गेम में। आप तो गेम में आ चुकी हो। नहीं हमारी लॉबी में कोई नहीं दिख रहा, सब हम अकेले हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। पिंग सही है लेकिन वो वैसा कोई नहीं दिख रहा है इसमें, ये दो और खराब चल रहा प्राइवेट डीएनएस ऐसा करके। ऐसा हो गया क्या? एक काम करो, रुको देखो आवाज आ रही है। अभी भी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आप तो गेम में नहीं है, अभी लॉबी में हो ना आप? तो मेरे भाई लोग, जैसे कि तुम सबने देखा यार गाइस, यार मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया ये प्रैंक करने के लिए, बट गाइस यार वो क्या है ना कि बार बार उसका नेटवर्क जा रहा था, इंटरनेट चल नहीं रहा था, ठीक है, और वो गेम में आ ही नहीं पा रही थी, और जब गेम में आ रही थी तो गाइस यार बार बार से ही गेम से बैक हो जा रही थी, ठीक है गाइस। मुझे नहीं पता कि उसका क्या ग्लिच चल रहा था, आई थिंक गेम का ही कुछ इशू था, ठीक है, और गेम में उसका नेट चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने बार बार उससे बोला कि आ जाओ गेम स्टार्ट करो खेलते हैं, ठीक है, बट गाइस यार मैंने उसको बताया नहीं कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ गाइस मैं इस प्रैंक को पूरा करके रहूँगा, अभी तो ये प्रैंक अधूरा है बिल्कुल भी, ठीक है, अभी मतलब तुम लोग भी उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन हाँ गाइस जितना भी मैंने किया उसमें मुझे पता है, उम्मीद है कि तुम लोग को मजा आया होगा, लेकिन गाइस इसके बाद जो उसके साथ मैं प्रैंक करने वाला हूँ गाइस ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। लेकिन गाइस एक और बात है कि हमारे ऊपर ना जब भी मैं कुछ करने को सोचता हूँ ना तो मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई काम आ जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी दो दिन पहले अपलोड नहीं करा था वीडियो, उसका रीजन ये था कि गाइस मेरा एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, बीए वाला एग्जाम स्टार्ट है, तो मुझे अपने शहर से किसी और शहर में जाना पड़ता है, मतलब कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, ठीक है, मेरा एडमिशन वहीं पर है, ठीक है। तो उसमें मुझे ना सुबह निकलना पड़ता है 5 बजे और मैं आता हूँ रात के 10-11 बजे गाइस, ठीक है, मतलब ट्रेन से जाता हूँ और ट्रेन से आता हूँ, ठीक है। तो हमारा पूरा ग्रुप है, हम लोग 5-6-8 लोग हैं गाइस, ठीक है, 8 लोग मतलब हमारे दोस्त सब हैं, ठीक है, तो सब लोग मिल के जाते हैं एग्जाम दे के आते हैं। तो गाइस यार उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी होती है, मैं थक जाता हूँ, ठीक है, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाता हूँ, प्रैंक भी नहीं कर पाता हूँ इसीलिए, और मेरा एग्ज़ाम कल भी है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना एग्ज़ाम वाला कुछ रिकॉर्ड करके ब्लॉगिंग टाइप का कुछ बना के अगर डाल दूँ तो वो शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से खुद ही गेम में नहीं आया हूँ। जो भी बंदे मेरे फ्रेंड लिस्ट में वो जानते हैं कि मैं गेम में कितना ऑनलाइन आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और गाइस हाँ, इंस्टाग्राम पर जितने भी बंदे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं गाइस, या देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ऑनलाइन रहता नहीं हूँ, ठीक है, और भाई बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मुझे जितना दिखता है पहले 2-3 बंदों का, 4-5 बंदों का, 10 बंदों का, तो मैं उन सबका रिप्लाई कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और मैं बोलता भाई मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, बाद में बात करेंगे, क्योंकि गाइस मैं एग्जैक्टली इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तुम लोग भी देखते हो मैं ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता हूँ, ठीक है, किसी का कोलैबोरेशन आता है तो मैं वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसी की वजह से थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं जब टाइम मिलता है तभी बात कर पाता हूँ, बाकी बुरा मत मानना, ठीक है, मेरा भी मन करता है बात करने का, बट वो है ना टाइम के अभाव में मैं कर ही नहीं पाता हूँ। और जब मैं गाइस एग्जाम देकर आया था तो भाई मैं पूरा थक गया था, पूरा बॉडी में पेन हो रहा था, इसकी वजह से मैं सो गया था, ठीक है, और अभी जो ये वीडियो बना था ये 2 दिन पहले का ही बना था, बट अभी तक इसको एडिट नहीं कर पाया था, और मैं तुम लोगों को बता भी नहीं पाया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तो गाइज अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, और गाइज यार जरूर कमेंट करना कि जो मेरा एग्जाम, मैं जहाँ पे जाता हूँ एग्जाम देने के लिए ट्रेन में, मैं कैसे जाता हूँ, मैं सफ़र कैसे करता हूँ, वो तुम लोग को देखना है गाइज। तो यार बहुत ही मुश्किल से सफ़र करता हूँ गाइज, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं तो हम लोग कैसे भी कर लेते हैं, और ऊपर से मैं बिहारी, तो भाई हम लोग कैसे भी कर लेते हैं, हमारे को कोई एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो तुम लोग अगर वो सब देखना है तो भाई प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो शायद हो सके तो रिकॉर्ड करूँगा, और मेरा फुल ट्राई होगा कि मैं रिकॉर्ड करूँगा गाइज, ठीक है, तो प्लीज़ यार कमेंट करना। और हाँ गाइज यार कल वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, और उसके बाद से 18 को एग्जाम है, फिर 26 को, फिर 27 को एग्जाम है, ठीक है, मैंने पूरा डेट बता दिया है। तो अगर जिस टाइम पे वीडियो नहीं आएगी तो प्लीज़ समझ लेना कि मैं एग्जाम देने गया हूँ, ठीक है। तो ले भाई लव यू, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।